लगेगा कंपनी 105 मिलीमीटर वाला। इसमें हम पिस्टन, सबसे पहले पिस्टन इसके चेक करेंगे कि पिस्टन जो है इसके सीधे मूव कर रहे हैं मूविंग गियर, इधर लाओ कैमरा, पिस्टन चेक करेंगे कि पिस्टन सीधे मूव हो रहे हैं, पिस्टन का ऊपर से लेके नीचे तक फासला जो है एक जैसा चल रहा है, एक नंबर। अब दो नंबर में चेक करें, दो नंबर सिलेंडर का भी आप चेक करेंगे कि पिस्टन साइड तो नहीं ले रहा, पिस्टन में राड में कोई टेढ़ापन तो नहीं है। फिर तीन नंबर चेक करेंगे, चार नंबर, पाँच नंबर, छः नंबर, ठीक है। पिस्टन टोटल छः के छः सिलेंडर, ये इंजन है सीजो का 6 सिलेंडर 105 मिलीमीटर। अब हम पिस्टन की टॉप चेक करेंगे, आप इधर से आ जाएंगे, टॉप देखें इसका, ये डायल गेज है, डायल गेज से सबसे पहले हम इसके ब्लॉक का फेस और इसकी कॉलर चेक करेंगे। इसकी कॉलर जो ये तैयार बोर लाइनर है स्टील के क्रोमियम, इसकी कॉलर 2000 फेस से आप होनी बहुत ज़रूरी है, अगर 2000 आप नहीं होगी तो इसका गैसकेट नहीं चलेगा। ये भी 2000 है। अब इस जगह से हम चेक करेंगे, ये सिफर से लेके ये 5 तक, ये भी 2000 है। इस जगह से इस लाइनर को चेक करेंगे, ये भी 2000 है। इस जगह से चेक करेंगे, ये भी 2000 है। इसी तरह अब हम इसकी टॉप चेक करेंगे, पिस्टन मूव करवाएं आस्ता, स्लोली स्लोली स्लोली, ओके ओके, 55 इसकी टॉप 5500 अप है। अब नेक्स्ट पिस्टन नंबर 6, इसमें चेक करेंगे, मूव करवाएं हल्का सा दूसरी तरफ, 65 इस तरफ से हम चेक करेंगे, इस तरफ से इसका भी 65। अब दो नंबर पिस्टन पे आ जाएंगे, हम दो नंबर पिस्टन की टॉप चेक करेंगे, सेवन ज़ीरो हंड्रेड, और ये कितनी है 60। अब नंबर 5 पे चेक करें, मूव करवाएं, ओके ओके, 70 हंड्रेड अप। अब दो नंबर पिस्टन 70, इस तरफ से भी इस डायल गेज से ये चीज़ भी चेक हो जाती है कि पिस्टन इसमें ब्लॉक में सीधा खड़ा है, कनेक्टिंग राड का बुझ सीधा है। इसी तरह अब इधर भी हम चेक करेंगे डायल गेज से, डायल गेज की मदद से हम इसकी टॉप मैक्सिमम पे लाएंगे, 55 और 60, ये ले, ठीक है। ये अब फाइनल हो गया, पिस्टनों की टॉप चेक करना और राडों की लाइन चेक करना, ओके बंद कर दें बस। चलो जी, ये इंजन सीजो का 6BF1 है जो 105 मिलीमीटर बोर का है। इसमें लाइनर जो है वो क्रोमियम है, क्रोमियम लाइनर है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्रोमियम लाइनर है। ये फिनिश लाइनर फिट होते हैं, इसके अंदर जो रिंग यूज़ किए जाते हैं वो देगी होते हैं। ये भी रिंग देगी है बाहर से, ये भी रिंग देगी है और ये भी रिंग देगी है। क्रोमियम लाइनर में देगी रिंग यूज़ किए जाते हैं जो बाहर से देगी होते हैं, और अंदर से क्रोम हो सकते हैं लेकिन बाहर से ये देगी ही होंगे। एक मिनट रुक जाओ, बात करें। अब इसमें जो रिंग है लाइनर, तो चूँकि इसमें क्रोमियम है और इसमें जो रिंग यूज़ किए जाएंगे वो देगी होंगे। रिंग को साइड से क्रोम किया हुआ है, रिंग को इंटरनल क्रोम किया हुआ है लेकिन बाहर से क्रोम नहीं किया हुआ, इसमें देगी रिंग यूज़ किए जाते हैं। कुछ मैकेनिक हज़रात इसमें थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, क्रोमियम लाइनर में बास टाइम क्रोमियम रिंग डाल दें तो वो ख़राब हो जाता है। इसमें क्रोमियम लाइनर में इस चीज़ की खास एहतियात की जाती है, क्रोमियम लाइनर में देगी ही रिंग ही डाले जाते हैं, क्रोमियम रिंग इसमें नहीं डाल सकते। अब हम सबसे पहले इस रिंग जो टॉप रिंग है इसका गैप चेक करेंगे सिलेंडर बोर में। ये इंजन है 6BF1 105 मिलीमीटर बोर, और इसमें हम गैप चेक करने लगे हैं। इसका टॉप रिंग का जो गैप है, ये 25000 वाली गेज डाल दी है, ये बिल्कुल फ्री है, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल फ्री है। अब 25 के साथ 12 और मिला दिया, ये 37000 हो गया, इसका गैप 37000 है, ये टॉप रिंग है। अब टॉप रिंग के बाद हम सेकेंड रिंग को चेक करेंगे, सेकेंड रिंग जो कि देगी ही रिंग है और ये नेपलर रिंग है, और नेपलर रिंग की पहचान ये होती है कि इसमें बाहर एक कट होता है, ये सेकेंड रिंग होता है, ये देगी रिंग है
और इसका भी गैप हम चेक करेंगे। ये आप देख रहे हैं गौर से, ये गैप आपको नज़र आ रहा है। और इस ये फिलर गेज हम इसमें डालेंगे 25 थौ की, ये बिल्कुल फ्री है। 25 के बाद 12 और मिला दिया, ये 37 हो गया। 37 इसमें गेज थोड़ी सी टाइट महसूस हो रही है कि जो कि ये लगता है इस तरह कि ये 37 नहीं है, ये 35,000 की गेज है। 35 इसमें गेज है, उसमें 37 था, इसमें 35,000 की गेज है। और ये आयर रिंग है, आयर रिंग का सबसे पहले हम इसकी सरफेस चेक करेंगे कि आयर रिंग की सरफेस डैमेज तो नहीं, क्योंकि इसके किनारे बहुत शार्प होते हैं, अगर ये गिर जाए चोट लग जाए तो ये रिंग ऊपर से डैमेज हो जाता है। इसलिए इसका हम पहले सरफेस टेस्ट करेंगे, सरफेस टेस्ट करने के बाद फिर हम रिंग को लाइनर के अंदर डालेंगे। और इसमें ये चेक करें, इसमें 25,000 की गेज स्लाइटली फ्री है, जो कि ये शो करती है कि ये 25,000 से 1-2 थौ ज़्यादा है, जो कि 27 के करीब करीब लग रहा है। अल्लाह हाफिज़।